हेलो दोस्तों, बात करते हैं उत्तराखंड योग्यता प्लस की नया रिजल्ट के रिगार्डिंग। तो लगातार आयोग जो है रिजल्ट निकाल रहा है, ऐसे में जो है एलटीसी का रिजल्ट भी जल्द ही हो सकता है, क्योंकि यहां पर नेक्स्ट रिजल्ट एलटी का हो सकता है, क्योंकि लगभग आयोग ने सारे रिजल्ट निकाल दिए हैं और मोस्टली जो अभी रिजल्ट पेंडिंग में थे वो भी आयोग ने निकाल दिए हैं। और एलटी का जो 1400 पदों की भर्ती यहाँ पर निकाली गई है और उन पदों पर जो है एलटी रिजल्ट जल्द ही निकल जाएगा। इस बार कट ऑफ थोड़ी कम जा सकती है, पेपर का लेवल काफी हार्ड लगा है बच्चों को, साथ में आउट ऑफ सिलेबस तो क्या ही कह सकते हैं, लेकिन पेपर काफी टफ बना रहा हुआ था इस बार, ठीक है, क्योंकि आयोग ने मान लिया कि भाई आउट ऑफ सिलेबस था, कहीं भर्ती कह रहे थे भाई, लेकिन आयोग ने कहा है कि भाई आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, वो अकॉर्डिंग था, बस पेपर का लेवल काफी हार्ड था। ये आयोग ने जो इंटरव्यू दिया आप लोगों ने देखा ही होगा, और आयोग ने इंटरव्यू में ये भी बोला था कि 15-20 दिन के अंदर का जो है मल्टी का रिजल्ट भी निकाल देंगे। उससे पहले ये है यहाँ पर इन्होंने ये कहा था, अभी जो स्केलर वाला भर्ती है उसमें 9000 लोग या 10000 लोग करीबन बैठे हुए थे एग्जाम में, उसका रिजल्ट इसी माह देखने को मिलेगा, ऐसा यहाँ पर आयोग ने कहा था। यानी कि एलटी का रिजल्ट पहले स्केलर का आ सकता है, उसके बाद आ सकता है कि एलटी का रिजल्ट, क्योंकि एलटी के रिजल्ट में भी ज्यादा समय नहीं लगने वाला है, अक्टूबर शायद 10-15 तक, क्या पता अगर आयोग चाहे तो जल्द ही निकाल सकता है इन पदों के रिगार्डिंग। और कल ही यहाँ पर जो है आयोग ने एक रिजल्ट निकाला है वाहन चालक का, जिसमें कट ऑफ काफी कम गई है, आप लोगों ने देखा है, लगभग टोटल पेपर 50 नंबर का था और उसका 2 से डिवाइड करके 25 नंबर का यहाँ पर किया हुआ था, 25 में से टॉपर के जो 18 नंबर है लास्ट कट ऑफ, यहाँ पर 14 नंबर गई है जो कि बहुत ही कम गई है, ठीक है, 14 नंबर जनरल की, 14.5 नंबर गई है, ओबीसी की 13 समथिंग गई है, ईडब्ल्यूएस की तो और कम गई है, मेरे ख्याल से 12 गई करीबन समथिंग गई है, तो और फिर एससी एसटी वालों में तो और कम 11, पता नहीं ऐसे कुछ 10 नंबर भी उनका आया हुआ है, तो ये बहुत कम गई है। और एलटी में भी उम्मीद है कि कम जाएगी अगर फेयर तरीके से पूरी पारदर्शी तरीके से पेपर हुआ होगा तो, क्योंकि एलटी में पेपर का लेवल बहुत हाई यहाँ पर हार्ड हुआ था, ठीक है, इसके लिए का भी काफी हार्ड आया था, इसके लिए भी तो सवाल भी उठाए गए थे, ठीक है, कि भाई पेपर में मतलब रोल नंबर के रिगार्डिंग जो वितरण किए गए थे वो गलत तरीके से हुए थे करके। और साथ में यहाँ पर आपका रिजल्ट जल्दी आने की उम्मीद है, और इससे पहले जो है आयोग ने जो वेटिंग लिस्ट था अभी स्नातक स्तरीय 31 दिसंबर वाला, उसका भी वेटिंग लिस्ट निकाला है, यानी कि अब आयोग के पास कोई रिजल्ट नहीं है पेंडिंग में, जो रिजल्ट थे वो सब निकाल दिए हैं, बचा है एलटी और स्केलर, बचा है जल्दी वो भी अब आपके आ जाएंगे।